मन की बात कहा पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ सीखने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने जापानी सीखने पर की सीएम मनोहर लाल की सराहना। कहा मैं मनोहर लाल जी को वर्षों से जानता हूं। मनोहर लाल नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने तारीफ करने पर जताया पीएम मोदी का आभार। कहा आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। ज्ञान अनंत है, जितना हो इकट्ठा करें। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीएम मोदी को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक लगेंगे कैंप। गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता। और कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बड़ी सुरक्षित हरियाणा की मियाद। मनोहर सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से हम बता रहे हैं, जहां पर जिले में 8 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना फिर दे रहा है दस्तक। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जिले में 8 नए मामले आए सामने। किसी मरीज की अभी तक मौत नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से। तो वहीं अगर रिकवरी रेट की हम बात करते हैं तो फरीदाबाद का रिकवरी रेट 99.27% है। तो किसी मरीज की अभी तक मौत नहीं हुई है, लेकिन फरीदाबाद में फिर से कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। 8 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। तो जिले में लगातार कोरोना के मामले मिलते चले जा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, लगातार फरीदाबाद में कोरोना के नए मामले सामने आते चले जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सृष्टि, फरीदाबाद के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जो कहर बरपा है उसके बाद ये सबसे ज्यादा आंकड़े आज कोरोना के आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज आए हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहा है। हालांकि आज कोई कोरोना से मौत का मामला नहीं है, लेकिन गत दिवस कोरोना से मौत के मामले भी सामने आ रहे थे। हालांकि मामले इक्का दुक्का ही थे, लेकिन ये इस बात का भी संकेत है कि कोरोना गया नहीं है, बल्कि जिस तेजी के साथ अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पहले कुछ दिनों में जहां एक एक दो दो मामले आ रहे थे, वहीं अब आधा दर्जन और आधा दर्जन से अधिक मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब सब कुछ खुल गया है तो इसका एक असर नजर आ रहा है। हालांकि इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जो बाजार है, भीड़ भाड़ वाले एरिया है, वहां पर कोरोना टेस्टिंग शुरू की जा रही है। साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं और अब दोबारा से एक ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें जो लोग रह गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उन लोगों की वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो, इस पर स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस है। हालांकि जिस तरह से WHO की रिपोर्ट सामने आई है या जो विदेशों में जो कोरोना को लेकर गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों को ये समझने की जरूरत होगी कि बेशक अभी तक हम वैक्सीनेशन के बाद ये समझकर बैठे थे कि हमारे आसपास कोरोना को लेकर एक सुरक्षा चक्र बन गया है, लेकिन एक बात जरूर लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग इस बात को लगातार कह रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन से एक सुरक्षा चक्र जरूर बन गया है, लेकिन ये कोरोना से 100% सुरक्षा नहीं देता। यानी अभी भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, ये नियम अपनाने बहुत जरूरी है। जैसा सैनिटाइजर का प्रयोग लोगों ने ना के बराबर कर दिया, अब दोबारा से हमें उसी ढर्रे पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही सृष्टि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। एक तरफ प्रदूषण का कहर है, दूसरी तरफ अगर कोरोना की भी मार पड़ गई लोगों पर, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। बड़ी मुश्किल से लोग कोरोना की दूसरी लहर में, जिन जान माल का नुकसान हुआ है, उस सदमे से उभरे हैं।
यदि इस बार स्थिति गंभीर बनी तो उसके परिणाम अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे में तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है और इन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस बात से मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कुछ और कहते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति हमने कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से त्राहिमाम मचा है वो बहुत अधिक मामले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग उन आंकड़ों को छिपाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये आज का आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वास्तविक धरातल पर देखेंगे तो ये आंकड़ा और भी अधिक बड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे में लोग सावधानी बरते और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पूरी तरह से सुनिश्चित करें। बिल्कुल पूजा, लेकिन जो तरीके से प्रशासन भी तमाम तरीके के काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही यहाँ पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आप देखिए, जब से त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है लोगों ने बाजारों में भीड़ लगना शुरू हो गई और अब लोग मास्क का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, दो गज की जो दूरी है उसका पालन भी नहीं किया जा रहा है, यानी कोरोना के जो गाइडलाइंस उसको पूरी तरीके से भूलते नजर आ रहे हैं लोग। सृष्टि देखिए, मैं याद करा दूं दर्शकों को कि पिछले साल करवा चौथ के बाद से एकदम से आंकड़ा कोरोना का बढ़ा था और स्थिति ये हो गई थी कि 15 से दिन से एक महीने के अंदर जो कोरोना को लेकर हालात बने थे उस हालात से अभी भी पूरी तरह से देशवासी नहीं उबर पाए हैं। और कमोबेश यही हाल अब हो चुका है कि जिस तरह से लोग मामले घटे तो जिस तरह से ढिलाई बरतने लगे, अगर शादी सीजन चल रहा है ऐसे में शादी समारोह में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है लोगों की, या किसी भी तरह का गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर भी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं की जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है और इसी लापरवाही का नतीजा ये है कि इस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों की लापरवाही है, प्रशासनिक स्तर पर ढील है, तो ऐसे में इस लापरवाही का खामियाजा जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं केवल उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि जो लोग सुरक्षित होने के लिए तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं वो भी इसके कुप्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे। तो सबकी सुरक्षा को सामूहिक तौर पर सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाले समय में यदि यही हाल रहा और कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अपने इंतजाम हालांकि किए हुए है कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेकर, लेकिन ये कोरोना किसको और कितना नुकसान पहुंचा सकता है तो इसे लेकर अभी तक कोई बहुत ज्यादा जो है स्वास्थ्य विभाग कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आई, जिसे बार बार जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभाव से बचा जा सकता है तमाम एहतियात बरत के, तो ऐसे में लोगों को अपनी सेहत अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा, जिसका एक ही विकल्प है कि सावधानी और बचाव जो है तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, और यदि कभी कहीं लगता है कि कोरोना के लक्षण है तो तुरंत जांच करवाएं, होम आइसोलेशन पर चले जाएं। ये तमाम गाइडलाइंस जो अब कोरोना की रफ्तार घटने से लोग लगभग भूलते जा रहे थे उन्हें दोबारा से उसी मनस्थिति में आने की जरूरत है, ताकि हम कम से कम कोरोना की तीसरी लहर के कुप्रभाव में न आ सके। बिल्कुल सही कहा आपने पूजवा कि लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से हम बता रहे हैं, जहां पर कोरोना ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। जिले में नए मामले सामने आ गए हैं 8, तो किसी भी मरीज की मौत अभी तक नहीं हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको फरीदाबाद से, जहां पर अब लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा क्योंकि कोरोना ने दस्तक देना फिर से शुरू कर दिया, और अगर यही लापरवाही लोग बरतते रहे तो आगे चल करके ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। और चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर एचपीएससी कार्यालय का कांग्रेस घेराव करने वाली है। 7 दिसंबर को कांग्रेस एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाली है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से बता रहे हैं आपको, कांग्रेस करेगी एचपीएससी कार्यालय का घेराव। 7 दिसंबर को एचपीएससी मामले में घेराव किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में ये घेराव किया जाएगा। आपको बताते चले
चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस करेगी एचपीएससी कार्यालय का घेराव। 7 दिसंबर को एचपीएससी मामले में घेराव किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। चौधरी रामकिशन गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के द्वारा ये घेराव किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, 7 दिसंबर को एचपीएससी मामले में करेगी घेराव कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। चौधरी रामकिशन गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस घेरने का प्रयास करेगी, इसको लेकर के भी प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से बता रहे हैं आपको। राम किशन चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस करेगी एचपीएससी कार्यालय का घेराव। 7 दिसंबर को एचपीएससी मामले में करेगी घेराव। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। चौधरी रामकिशन गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस करेगी एचपीएससी कार्यालय का घेराव, चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। चौधरी रामकिशन गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 दिसंबर को कांग्रेस एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। रवि, 7 दिसंबर को कांग्रेस एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाली है, कौन कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं और किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि आगामी 7 दिसंबर को कांग्रेस जो है वो 7 एचपीएससी कार्यालय का पंचकुला में घेराव करने वाली है, और इसको लेकर बाकायदा जो है अनाउंसमेंट की जा चुकी है। और जिस तरीके से एचपीएससी के मुद्दे, जो पेपर लीक का मुद्दा है, भर्ती घोटाले के मामले हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस काफी पहले से जो है प्रेस वार्ता करके अपना रोष जो है वो जाहिर कर चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एचपीएससी और एचएससी दोनों को जो है वो रद्द करके इसका नए सिरे से इसका पुनर्गठन किया जाए, और साथ ही साथ जो एचपीएससी के अधिकारी अनिल नागर, जो अनिल नागर जिस तरीके से बीते 4 सालों में जहां जहां उन्होंने भर्तियां करवाई हैं, पेपर किए हैं, उन तमाम उस दौरान जो भी भर्तियां आई हैं उन्हें रद्द किया जाए। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जिसके तहत कांग्रेस जो है वो अब सरकार के खिलाफ आगामी 7 दिसंबर को एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाली है। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर चौधरी रामकिशन गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाली है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। और इसी बीच आपको पलवल से एक बड़ी खबर बता देते हैं। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, तेईस साल के युवक की हत्या कर दी गई है। पलवल से बड़ी खबर, हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया। मारपीट मामले में नहीं किया था समझौता, नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया है। हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया। 30 साल के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। पलवल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया है। हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया। मारपीट के मामले में नहीं किया गया था समझौता, मारपीट मामले में समझौता ना करने पर एक 30 साल के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया। पलवल से आपको खबर बता रहे हैं हम, 30 साल के युवक की हत्या की गई।
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही साथ कहा कि जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक कैंप लगेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने बताया कि सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, साथ ही कहा कि हरियाणा के हर परिवार का डेटा लोगों के हितों की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। तो वहीं सीएम ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के कहा कि सरकार नए वेरिएंट के लिए सतर्क है। सीएम ने पेपर लीक मामले पर कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं, जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती है उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। कि जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतया भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। तो बहुत सुझाव आए थे कि इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग, मेले वगैरह है, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर कोई मेला हो उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बर्थ करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है कि यमुनानगर के डीसी ने कपाल मोचन मेले की परमिशन दी थी और सारी व्यवस्था वहां की थी। मैं स्वयं वहां गया, जाकर के वहां आया, देखा है। ऐसे ही अब इस अगले 15 दिन में ये शुरू हो रहा है गीता जयंती का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का, तो कुरुक्षेत्र डीसी को कह दिया गया है। ऐसे बड़े जो मेले हैं उसमें व्यवस्थाएं सारी ठीक रखे, प्रिकॉशन भरते हैं, जैसे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। उसका अब जो जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे चलेंगे और ये सारे लिंक कहाँ तक है, कैसे हैं, उन सब चीजों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है, कहाँ तक चीज पहुंचती है वहीं तक पकड़ेंगे। लेकिन ये जो सारे गिरोह हैं ये बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत पुराने हैं और जानकारियां तो ये है कि 20-20 साल से इनके गिरोह बने हुए हैं और एक सिस्टम से काम करते रहे हैं। अब हमने चूंकि उसको क्रैक करना शुरू किया है, पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पानीपत के सेक्टर 2570 मेघा मॉल के पास नाले में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पत्थरों के नीचे दबा मिला था, देखने से लग रहा था कि युवक की हत्या की गई और शव को नाले में फेंक करके उस पर पत्थर डाल दिए गए। राहगीरों ने शव को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मेगा मॉल के पास युवक का शव मिला है, जहां पर आपको बताते चले किसी ने हत्या करके शव को नाले में फेंका और उसके बाद उसे पत्थरों से दबा दिया गया था। पानीपत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सेक्टर 2570 मेगा मॉल के पास नाले में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल जाती है। शव पत्थरों के नीचे दबा मिला था, देखने से लग रहा था कि युवक की हत्या की गई है और शव को नाले में फेंक दिया गया है और उसके बाद उस पर
पत्थर डाले गए हैं। राहगीरों ने शव को देखने पर पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन जहां आपको बताते चले अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो पानीपत से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, सेक्टर 25 मित्तल मेगा मॉल के पास से नाले में एक शख्स का शव मिला है, जिसके बाद सनसनी फैल जाती है। शव पत्थरों के नीचे दबा मिला था, देखने से लग रहा था कि युवक की हत्या की गई है। शव को नाले में फेंक दिया गया और उस पर पत्थर डाल दिए गए। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच पड़ताल ही की जा रही है, क्योंकि अभी तक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी देखिए, आज अचानक सुबह से जब ये शव मिला था, तभी से अफरातफरी का माहौल मित्तल मेगा मॉल के आसपास देखने को मिल रहा है। एक युवक का शव ईंटों के नीचे, पत्थर, भारी पत्थरों के नीचे दबा हुआ मिला था। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, पुलिस मौके पर पहुंची थी, शव को कब्जे में ले लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में रखवा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अभी तक जो मृतक है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस सारे मामले में गहनता से तलाश जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पत्थर के नीचे युवक का शव दबा मिला था, पानीपत से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल आपको ये बता दें कि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है युवक की, लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को देख करके ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसकी हत्या की है और उसके बाद शव को नाले में फेंक दिया है। तो सेक्टर 25 का ये पूरा मामला है। पानीपत की खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नाले में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव पत्थरों के नीचे दबा हुआ था, पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर टीएमसी नेता अशोक तंवर का एक बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौजूदा और पूर्व सरकारों पर निशाना साधा गया, भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया है आरोप। टीएमसी की सरकार आने पर जांच की जाएगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। टीएमसी नेता अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया, मौजूदा और पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा है अशोक तंवर ने। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सरकारें, किसान आंदोलन पर तंवर का बयान सामने आया। आंदोलन से आम लोगों को परेशानियां हुई, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मौजूदा और पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा गया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 2 दिसंबर से शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से पहले मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें अन्य राज्यों सहित हरियाणा के कई शहरों ने भी बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस मैराथन दौड़ का हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले युवा उत्साहित नजर आए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गीता जयंती और मैराथन को लेकर युवा काफी उत्साहित नजर आए हैं। सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, हरियाणा के बाहर के खिलाड़ी भी इन्होंने यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया और विजेता भी हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में यहाँ के जो मैराथन होता है और गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रूप में। और मैं बहुत आभार करता हूँ जिन्हों भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, चाहे वो बॉयज़ थे चाहे वो गर्ल्स थे, तो बड़े नंबर्स पर यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने। कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ की तरफ से 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 150 किलोमीटर मास्टर स्टार्ट इवेंट का शुभारंभ किया गया। इवेंट में हो रही हरी झंडी एशियन साइकिलिंग महासंघ के महासचिव एवं भारतीय साइकिलिंग महासंघ के चेयरमैन ओंकार सिंह ने दिखाई।
ओंकार सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से साइकिलिंग के लिए जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज एक सफलतापूर्वक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो वहीं पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। खेल मंत्रियों ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण जल्द ही पूरा होगा। हाँ जी सर, सचिन को भारत में आने वाले अवकाश सिंह जी हरियाणा सचिन के सभी मेंबर और अलग अलग जगह से आए हुए सभी कोचिंग फेडरेशन के अलग अलग स्टेट के मेंबर हरियाणा साइकिलिंग फेडरेशन के मेंबर्स, सभी खिलाड़ी जिन्होंने इस नेशनल में पार्टिसिपेट किया और मेडल जीता, आप सबको मैं हरियाणा में स्वागत भी करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा। कालका से समालका में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।